गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए कुछ डिफरेंट सा बताऊंगी। ये देखिए, मैं ये आर्म होल इसमें बनाई हूँ, इस स्वेटर में। और ये आर्म होल जो बनाने का प्रोसेस एकदम इजी और एकदम से डिफरेंट है। ये देखिए, मैं ये उल्टी उल्टी बॉर्डर इसमें बनाई हूँ। इसका मतलब ये नहीं समझें कि आप मैं अलग से बनाकर इसमें स्टिच कर दी हूँ निडिल की हेल्प से, ऐसा नहीं है। मैं इसके साथ साथ ही इसमें ज्वाइंट करती भी गई हूँ बनाते हुए। तो देखिए, इसे हम कैसे बनाए हैं वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने इसमें नॉर्मल सा, जैसे भी आर्म होल में आप फंदे उठाते हैं, मैं इसमें फंदे उठाई हुई हूँ। 60 60 फंदे टोटल इसमें, 120 फंदे मैं इसमें निकाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये ज्वाइंट है और ये फर्स्ट, ये फ्रंट का पार्ट है। इधर से इतना इसमें मैं 60 फंदे और इधर मैं 60 फंदे उठाई हूँ। तो इसमें उठाने के बाद देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा। नॉर्मल जितना भी आप फंदा उठाना चाहते हैं अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग, छोटे बड़े आपके स्वेटर जैसे भी होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको फंदे इसमें उठाने हैं। तो मैं इसमें 120 उठाई हूँ। इसके बाद देखिए इसमें क्या करना, एक्स्ट्रा मैं इसमें 8 फंदे और बनाऊँगी। इस तरह से देखिए, लास्ट वाले फंदे को बुनेंगे, फिर इस पर डालेंगे। एक फंदा निकला, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और फिर ये 8 फंदा। देखिए इसमें हम एक्स्ट्रा जो है इसमें 8 फंदे हम निकाले इस तरह से। यहाँ से देखिए, तो 4 6 और ये 8 फंदा। अब देखिए आगे, पहले हम यहाँ पर सारे फंदे को एक बार उल्टा बुन लेते हैं। सारे मीन्स ये 8 फंदे जो हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं, बस उतना सा फंदा का। एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, चार, पाँच, छ, सात और ये 8। ये 8वां फंदा जब बुनेंगे हम, इसके साथ हम दो फंदा बुन लेंगे। एक फंदा तो हमारा ये वाला होगा, एक फंदा हमने जो ये फंदा इसमें से उठाए हैं स्वेटर में, वो फंदा को साथ में लेते हुए यहाँ पर इसे बुन लेंगे। यहीं से हम फिर टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से हम टर्न करेंगे। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर से हम उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से, और ये फंदा जब हम बुनेंगे फर्स्ट वाले इस तरह से टर्न करने के बाद, तो थोड़ा सा टाइट बुनेंगे, इसे हम लूज नहीं छोड़ेंगे। दो फंदा, तीन, चार और ये 5 फंदा। 5 फंदा हमने उल्टा बुना, धागा पीछे करेंगे और लास्ट के इन 3 फंदों को हम बिना बुने ही इस तरह से उतार लेंगे। फिर यहीं से टर्न करेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम उल्टा बुनेंगे। जो 3 फंदे हमने बिना बुने उतारे हैं उसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। एक फंदा, फिर 7 फंदा हम बुनेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये 7 फंदा बुने। ये 8वां फंदा जब बुनेंगे इसके साथ एक फंदा और हम बुनेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर यहीं से हम टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से इन दो लाइन जो हैं, एक लाइन तो फर्स्ट वाले हमने जो बनाई है वो लाइन को छोड़कर, ये दो लाइन हमने जो बताए हैं ये दो लाइन को ही रिपीट करना है। तो एक बार फिर से देखिए, ये फर्स्ट लाइन है, दो लाइन आपको हम बता देते हैं इसमें। ये फर्स्ट लाइन है, देखिए फर्स्ट लाइन, 1 2 3 4 5, 5 फंदे बुने, धागा पीछे करेंगे और ये 3 फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। फिर यहाँ से टर्न करेंगे और ये 3 फंदे जो हमने बिना बुने उतारे हैं उस फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ से ज़्यादा खींच कर नहीं बुनना है, हल्का सा नॉर्मल रखना है। 2
तीन फंदा, चार, पांच, छः और ये सात। आठवां फंदा हम ये रहा और इसके साथ एक फंदा और, इस तरह से बुन लेंगे आठ फंदा। धागा पीछे करेंगे और यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। बस इसी दो लाइन को हम रिपीट करते जाएंगे, ये बनता जाएगा। ये जो हम तीन फंदे यहाँ पर हम बिना बुने उतारते हैं और उल्टी साइड से सारे फंदे को उल्टा बनाते हैं, वो बनाने से वो इस तरह से दिखते हैं। देखिए इस तरह से, ये पाइपिंग की तरह, जिसे हम आई कॉर्ड कहते हैं, इस तरह से बनते हैं। ये तो हुआ ये प्रोसेस। इसके साथ साथ एक बात और बताऊंगी कि मैं इसमें जो है आर्म होल की बॉर्डर बनाने बताई हूँ, एक बॉर्डर में और भी एक तरीके से बताई हुई हूँ। मेरा वीडियो नंबर 166 है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो भी एकदम से डिफरेंट टाइप से है आर्म होल में बॉर्डर बनाने का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसे भी बनाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।